गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ जूही। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो गाइज, आज हम कहीं घूमने के लिए जाने वाले हैं, मेरी सिस्टर आई हुई है। तो चलिए पहले मैं आपको उससे मिलाती हूँ कि वो क्या कर रही है। तो चलिए मैं देखती हूँ कि वो कर क्या रही है और हम उसे सरप्राइज़ देने वाले हैं कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। ओहो, ये मैम हमेशा सीसी के सामने खड़ी होकर स्टाइल मारती हैं। संजना, एक सरप्राइज है। क्या? हम घूमने जा रहे हैं। क्या आप ब्लॉग बना रहे हो? पहले ये बताओ। हाँ, मैं ब्लॉग बना रही हूँ और हम घूमने जा रहे हैं। किधर को जा रहे हो? पहले क्यों नहीं बताया? एक नंबर। मुझे पहले नहीं बताया। एक नंबर जा रहे हैं, चल रही है तो फटाफट रेडी हो जा। चलूंगी यार, मेरे को भी घूमना है। ठीक है, तो ये हम दोनों हैं। अब हम दोनों आपको मिलते हैं रेडी होने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय। तो हम हो चुके हैं रेडी और अब हम चलते हैं बाहर। तो गाइज, हमें बाहर तक निकलने के लिए थोड़ा पैदल चलना होगा क्योंकि हम काफ़ी अंदर की साइड रहते हैं। फिर हमें लेना होगा ऑटो और फिर हम पहुंचेंगे मार्केट। दो ऑटो चेंज करनी है ना? ये सामने स्टंट क्यों कर रहे हैं? क्या पता। तो गाइज, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो आप जब भी बाहर निकलें आप साथ में वाटर बॉटल, हैंड सैनिटाइजर लेना बिल्कुल भी मत भूलिए। मास्क लगाने की तो आदत हो गई होगी अब आपको, अब कहने की ज़रूरत ही नहीं कि मास्क लगाना है। वैसे भी मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है गाइस, बाहर बहुत पोल्यूशन होता है। तो अगर आप मास्क पहनते हैं, कोरोना अगर ठीक भी हो रहा है, वैक्सीनेशन हो चुकी है, वैक्सीनेशन आ चुके हैं, फिर भी मास्क हमें पोल्यूशन से तो बचाता है, तो मास्क ज़रूर पहनिए। हाँ, और आज बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत तेज़। सनस्क्रीन लगा के ज़रूर निकलना सारे, नहीं तो पूरे टैन हो जाओगे। और संजना ने एडवाइस दिया है कि सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं वरना टैनिंग हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लगाया। हाँ, लगाया। इसने तो लगाया, तो आप भी मत भूलिए। ऑटो तो गाइस, अगर हमें ऑटो मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो हमें बहुत दूर वहाँ दूर तक पैदल चल के जाना पड़ेगा। कैसे दिखाऊं? बहुत नंबर और बहुत लंबा रास्ता है और फोन को ऐसे करके रखने में भी डर लगता है कहीं फोन ना कोई छीन के ले जाए। क्योंकि आजकल पता नहीं है कोई भी आएगा, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी फोन जा सकता है। हाँ, इसीलिए अभी तक हमें कोई ऑटो मिला नहीं है, लेकिन अभी छाए में आपने तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है और अभी तो मार्च बस स्टार्टिंग ही है और इतनी ज़्यादा धूप हो रही है और जैसी छाया आती है बहुत ही अच्छा फील हो रहा है अभी छाए में। अरे ऑटो चली गई भैया, रुक जाओ, देखते हैं आगे ऑटो मिलता है नहीं। यहाँ मैं ऐसी पैदल ऐसा तो नहीं मिलेगा क्योंकि हम पहुँच चुके हैं जहाँ ऑटो मिलता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं एक नंबर मार्केट। तो इस मार्केट को छोटा सा सरोजनी नगर भी कहते हैं, पता है? तो देखते हैं यहाँ पे सरोजनी नगर जैसा क्या क्या चीज़ है। तो घुसते के साथ ही हमें ये एयरिंग्स वाले भैया दिखे जिनके पास एथनिक ज्वेलरी थी। तो आपको भी अगर शादी पार्टी में जाना हो तो यहाँ से आप एथनिक ज्वेलरीज खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस था 100 से 150 के अराउंड। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे लहंगे वहंगे भी थे, तो अगर आप शादी पार्टी या किसी ऐसे वेकेशन में कहीं जा रहे हो तो आप यहाँ से लहंगे वहंगे भी ख़रीद सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थे ये लहंगे। और ये हमारा सरोजनी नगर जैसा, यहाँ 100 रुपीज़ के टॉप मिल रहे थे।
काफ़ी सारे टॉप थे। अगर आप भी चाहते हैं 100-100 रुपीज़ का टॉप लेना तो एक बार एक नंबर मार्केट को जाकर विज़िट कर सकते हैं। और सामने हमें दिखा एक स्कर्ट वाले भैया का स्टॉल। ऐसे स्कर्ट आपने सरोजनी नगर में भी देखे होंगे जो कि 200 रुपीज़ में मिलते हैं। इस स्कर्ट को आप मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं अपनी कुर्तीज़ के साथ, टॉप्स के साथ, या फिर कुछ भी एथनिक ब्लाउज़ के साथ अच्छी तरीके से इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो अब आपको जब भी ऐसे स्कर्ट खरीदने हों तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सरोजनी नगर इतनी दूर जाना है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। और ये हमें दिखे दूसरी स्टॉल दिखी एयरिंग्स वाली, इनके पास भी काफ़ी अच्छा एथनिक कलेक्शन था। ये भैया भी 100-200 रुपए का ही एयरिंग्स बता रहे थे। हालांकि सरोजनी नगर में इससे सस्ती एयरिंग्स मिलती हैं, बट ठीक है, हर कोई सरोजनी नगर नहीं जा सकता, तो यहाँ पर जो है यहाँ के लोग यहीं से ख़रीदना प्रेफर करते हैं। काफ़ी अच्छी ज्वेलरी सरोजनी नगर स्टाइल की मिल जाती है यहाँ पर। तो आगे हमें एक 50 का स्टॉल दिखा जहाँ पर 50 रुपीज़ के टॉप मिल रहे थे, जैसा कि सरोजनी नगर में मिलता है। ठीक ठाक टॉप थे, मुझे इतने कुछ खास नहीं लगे, स्टिल ठीक था यहाँ पे सारा। यहाँ पे सारे टॉप की वैरायटी थी, स्टाइपर्स टॉप मिल जाएंगे आपको, प्लेन डॉट्स वाले, पोल्का डॉट्स वाले, काफ़ी सारा स्टाइल था। और ये आजकल रेनबो वाले टॉप के जो हैं ये बहुत चला हुआ है, वो भी उसके भी कुछ कलेक्शंस थे यहाँ पे यूनिकॉर्न स्टाइल टॉप के। तो अगर आप ऐसे टॉप ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो एक नंबर मार्केट जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक शॉप के अंदर घुसे जहाँ पे सेल लगी हुई थी, जो 10 रुपये से लेकर आपको 200 तक की चीज़ें मिल रही थी। जहाँ पे ये मैट है जिसका कॉस्ट 150 रुपीज़ बताया गया था, और बाकी ये सारी जो छोटी मोटी घर के यूज़ की चीज़ें होती हैं वो 10-20 रुपये के स्टॉल में लगी हुई थी। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ था, जैसे आप मेकअप ऑर्गेनाइज़र देख सकते हैं, किचन में यूज़ होने वाले डब्बे देख सकते हैं, और क्लिप्स, नेल पेंट, रबर बैंड्स, मग्स, कप्स, ग्लासेस, यहाँ पे काफ़ी सारा कुछ था। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ था, मेकअप्स भी थे, किचन आइटम्स भी थे, सारी चीज़ें थी। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। आप देख ही सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो घर के लिए आपको कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ पर एक बार जा सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और ये बहुत ही प्यारा सा येलो कलर का कैंडल रख के जलाने वाला इसके अंदर था, ये भी 20 रुपये का था। फ्लावर पॉट आपको दिख रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर। अगर आप यहाँ जाएँ तो अच्छी चीज़ें खरीद के आ सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे मेकअप्स भी मिल रहे थे, अगर आप ऐसा मेकअप यूज़ करते हैं तो यहाँ से मेकअप भी खरीद सकते हैं। बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप अच्छी चीज़ें ही अगर मेकअप खरीदते हैं तो अच्छा मेकअप ही लगाएं अपने स्किन पे, सो दैट की कोई एलर्जीज ना हो। मेकअप ब्रशेस, काफ़ी सारा कुछ था यहाँ पे। तो अगर आप एक नंबर मार्केट जाते हैं तो यहाँ पे जाकर एक बार ज़रूर विज़िट करिए। ये किचन से रिलेटेड भी यहाँ पे सारे सामान मिल रहे हैं, डेकोरेशन भी मिल रहा था, ये क्यूट सी कढ़ाई भी मिल रही थी यहाँ पे। प्यारा सा कछुआ, बहुत सारे लोग इसे अपने घरों में रखते हैं। ग्लास, छोटे बच्चों के लिए ये छोटा सा कॉइन रखने के लिए पाउच, बॉटल्स वगैरह।
ये फ्लावर पॉट तो आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे प्लाजो मिल रहे थे, ये प्लाजो मुझे बहुत पसंद आया पोलका डॉट वाले, और ऐसा काफ़ी चला भी है। परिन भैया ने मुझे इस प्लाजो का रेट 200 रुपीज़ बताया। और यहाँ स्टॉल में 200 रुपीज़ के ड्रेसेस थे, जहाँ पे आपको टी शर्ट टाइप के ड्रेस भी मिल रहे थे और वैसे भी ड्रेसेस मिल रहे थे। जैसे ये ब्लैक वाला है, ये बहुत ही प्रिटी सा सुंदर सा ड्रेस था जिसकी MRP सिर्फ 200 रुपीज़ थी। और भी बहुत सारे अच्छी ड्रेसेस थी इसके अंदर, मुझे ये ब्लैक वाला बहुत पसंद आया था। अगर आप ड्रेस लवर हैं तो यहाँ से भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था ड्रेस का। तो अगर आप ड्रेस के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ से 200 रुपये का आप ड्रेस खरीद सकते। हैं ये जैसा कि एक लॉन्ग ड्रेस था, ये भी बहुत ही प्रिटी ब्लैक कलर का था, आगे से फ्रिल लगे हुए थे इसमें और ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देता, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस था इसका। ड्रेस ये भी बहुत प्रिटी था, इस पर जो प्रिंट था ये भी बहुत अच्छा प्रिंट था। और यहाँ 50 रुपीज़ के शॉर्ट टी शर्ट्स, ये सारी चीज़ें मिल रही थी। मुझे इतना कुछ खास इसमें लगा नहीं, बट स्टिल कि अगर आप यहाँ पे टाइम दे के अगर कुछ ढूंढते हैं तो ज़रूर मिल जाएगा। आगे जाके हमें ये वाला स्टॉल दिखा जहाँ पे 100 रुपीज़ के टॉप मिल रहे थे, काफ़ी अच्छे टॉप के कलेक्शन थे। सीक्वेंस टॉप थे यहाँ पे, सॉफ्ट शिफॉन के टॉप्स थे, नेट के टॉप्स थे, डॉट्स वाले टॉप थे, प्रिंटेड टॉप थे। तो यहाँ पे जो था ये बहुत ही अच्छा टॉप का कलेक्शन था। और ये जो शॉप थी ये शॉप के बाहर लगा हुआ था और शॉप के अंदर भी काफ़ी अच्छा न्यू कलेक्शन था। अगर आप सीक्वेंस ड्रेस के लवर हैं तो यहाँ पे सीक्वेंस पार्टी ड्रेस भी अवेलेबल थी जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके का ड्रेस भी ढूंढ रहे हैं तो आप एक नंबर मार्केट में जाके सर्च कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ही कलेक्शन था पार्टी का वहाँ पे। और देख सकते हैं 100-100 रुपये की कुर्तीज़ भी यहाँ पे थी, लोअर्स भी थे, काफ़ी सारी चीज़ें। तो अगर आप बच्चों के लिए भी कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं, इस मार्केट में बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि शॉर्ट्स, जीन्स, ड्रेसेस, फ्रॉक्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ पे बच्चों के लिए। और सरोजनी नगर में जिस तरह 100 रुपीज़ के स्टॉल्स लगे रहते हैं टॉप के, यहाँ पे भी आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे जंप सूट्स वगैरह भी अवेलेबल थी, जैसे ये ऑलिव ग्रीन कलर का जो जंप सूट है ये मुझे बहुत ही पसंद आया था। यहाँ पे जो थे वो सारे ही लेटेस्ट कलेक्शन थे, तो अगर आप जाएँ यहाँ पे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और काफ़ी सारा कुछ बॉयज़ के लिए भी अवेलेबल था, तो अगर बॉयज़ भी एक नंबर मार्केट जाते हैं तो उनको भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा। और मेकअप के भी स्टॉल्स सारी जगह पे दिख रहे थे, तो अगर आप मेकअप यहाँ से ख़रीदना चाहते हैं तो आप मेकअप के लिए भी यहाँ पर जा सकते हैं चीज़ों को देखने। और ये एक शॉप गॉगल्स की भी थी, तो अगर आप गॉगल्स लवर हैं तो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ये एक जो स्टॉल था यहाँ पे 100 रुपीज़ के शर्ट्स मिल रहे थे, काफ़ी अच्छे शर्ट्स थे, काफ़ी कलर इसमें अवेलेबल था और वाइट कलर के तो काफ़ी सारे कलेक्शन थे यहाँ पे। और ये एक स्टॉल थी जहाँ पे एथनिक ज्वेलरीज मिल रही थी, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे नेक पीसीस थे यहाँ पे जिसे आप एथनिक वेयर के साथ अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो था ये जो एयरिंग्स का कलेक्शन था वो भी बहुत अच्छा था, जिसे आप एथनिक वेयर के साथ अच्छे से जो स्टाइल कर सकते हैं और अपना जो लुक है उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। आगे हमें जो है एक स्कार्फ़ वाला स्टॉल दिखा जहाँ पे 80 रुपीज़ के स्कार्फ़ मिल रहे थे। तो जैसे कि आपको पता ही है गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ये जो है ये सबसे हेल्पफुल होता है, आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं तो अपने फेस को अच्छे से स्कार्फ से जो है वो कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे हर जगह पे आपको प्लाजो और लोअर का स्टॉल मिल जाएगा।
और ये यहाँ पे एक जो टॉप का स्टॉल था जहाँ पे सारे येलो कलर के टॉप थे, लाइट येलो, डार्क येलो, ये सारे येलो कलर के टॉप्स यहाँ पे अवेलेबल थे। और शॉर्ट्स भी काफ़ी अच्छे, शॉर्ट्स का कलेक्शन भी था, कॉटन के शॉर्ट्स थे जो कि गर्मियों में बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। आगे जाके इस ठेले पे हमें एक भैया मिले जिनके पास जो थे किचन में यूज़ होने वाले सारी चीज़ें थी, जैसे कॉफ़ी मग्स वगैरह, बर्नी वगैरह जिसमें अचार वगैरह रखते हैं। और इस स्टॉल पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, बच्चों के लिए भी था और यंगस्टर्स के लिए भी था, तो अगर आप ढूंढें तो इसमें से भी आपको कुछ अच्छा मिल सकता है। आगे जाके इन भैया के शॉप पे जो था बहुत अच्छा फुटवेयर का कलेक्शन था, और इन्होंने बाहर भी कुछ ऐसे फुटवेयर रखे थे जो थोड़े से मतलब गंदे हो गए थे, बट ये सारे 50-50 रुपीज़ में थे, तो अगर आप इसमें से भी कुछ ढूंढे और घर जाके वॉश कर ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे ये फुटवेयर है, ये भी काफ़ी अच्छा था, बस इसको वॉशिंग की ज़रूरत थी। ये वाली जो लेन थी ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। यहाँ पे काफ़ी सारे जो स्टॉल्स थे वो लॉन्ड्रीज़ के थे, यहाँ पे बहुत सारे लॉन्ड्रीज़ के न्यू कलेक्शन आए हुए थे, तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी सारी लॉन्ड्रीज़ यहाँ पे टंगी हुई हैं। आगे जो है यहाँ पे जो है मेकअप वाले आइटम्स भी बहुत सारे थे, लाइक आपको बैंगल्स के शॉप्स दिख रहे होंगे, और फिर आपको इयररिंग्स वगैरह, कुर्तीज़ के शॉप्स और अच्छे स्टोर्स यहाँ पे थे जहाँ से आप अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स को ख़रीद सकते हैं। ये देखिए बेंगल्स के कितने सारे स्टोर्स हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा कलेक्शन था इनके पास। ये एक भैया हैं जिनके पास बहुत अच्छे लोअर्स थे जो कि 300 रुपीज़ में बेच रहे थे यहाँ पे लोअर्स, और काफ़ी अच्छे लोअर्स थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे और 300 रुपीज़ में तो बहुत ही अच्छे थे। इसके बाद हमें ये वाले भैया की शॉप दिखी जहाँ पर काफ़ी कुछ था, चूड़ा, बैंगल्स सेट, ज्वेलरी सेट, मेकअप का आइटम, और ये मेकअप किट अगर आप गिफ्टिंग पर्पज़ से लेना चाहते हैं तो यहाँ से ये मेकअप किट ख़रीद सकते हैं जो कि शादी में अपने फ्रेंड्स वगैरह को गिफ्ट कर सकते हैं। और उसी लेन के बाद ये वाली लेन थी, यहाँ पे भी मेकअप, ज्वेलरी, बैंगल्स, ये सारी चीज़ें बहुत भर भर के थी। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये बताइए कि आपको ये छोटा सा लॉरी लगा जो लगा आपको? हाँ कुछ बोल, और जो भी था नॉर्मल ठीक था, ठीक ठाक मार्केट थी था। और हमारे वीडियो को खूब सारा प्यार कीजिएगा जाए, वहाँ का भी वीडियो बनाए, वहाँ का भी शेयर करें सब कुछ। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आ गए होंगे गर्मियों का समर वेकेशन के, बहुत समर के अच्छे अच्छे कपड़े आ चुके होंगे वहाँ। तो चलिए बाय।